इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर शिवराज कैबिनेट की इस नए साल में पहली बैठक संपन्न हुई है। आपको बता दें इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 9200 से अधिक सीएम राइज स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। पीएम मातृ वंदना योजना को भी स्वीकृति मिली है। पंचायतों को पुरस्कार करने का निर्णय लिया गया है और यहाँ पर शौर्य दल योजना फिर से शुरू करेगी सरकार। सरपंचों के मानदेय को बढ़ाने को भी मंजूरी मिल गई है। सरपंचों का मानदेय 1750 से बढ़ाकर अब 4250 हुआ है। सीएम शिवराज कल टीकमगढ़ के दौरे पर रहेंगे और टीकमगढ़ में सीएम भू अधिकार योजना की शुरुआत भी करने वाले हैं। 10,500 लोगों को भूखंड वितरित करेंगे और 120 करोड़ की लागत के भूखंडों का वितरण होगा। आपको बता दें कि नए साल में शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक हुई है और इस बैठक में क्या कुछ राहत प्रस्ताव कौन कौन से रखे कि निगम पास किया गया है और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, ये सब जानकारी दी गई है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा। आज पीजी सीट की चिकित्सा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लगातार, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो या अन्य शहर हो, सागर हो, जबलपुर हो, इन सब में लगातार सुधार करते जा रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज पीजी सीट की वृद्धि के लिए 614.46 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के लिए इन महाविद्यालयों की दृष्टि से कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग राशि है। आपको बता दें कि इस पूरे बैठक के दौरान, इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव लिए गए, जिसमें सबसे अहम है 9200 जो सीएम राइस स्कूल के निर्माण है उसको मंजूरी दे दी गई है। पीएम मातृ वंदना योजना को भी स्वीकृत मिल गई है। कई योजनाएं जो हैं जनता के हित में वो शुरू की गई हैं या फिर कई योजनाओं को अमली जमा पहनाने की इसमें प्रस्ताव रखे गए थे जिन पर निर्णय लिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। ऐसे में सरकार हर कैबिनेट बैठक में कुछ ना कुछ जनता को सौगात देने की कोशिश कर रही है।